चलिए अगला टॉपिक लेके चलते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, ठीक है, तो हम ये समांतर प्लेट संधारित्र मान लेते हैं जिसकी इस प्लेट पे आवेश प्लस क्यू के बराबर है, इस पे प्रेरित आवेश माइनस क्यू के बराबर है, इसका क्षेत्रफल मान लो कैपिटल ए, इसका भी क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व यहाँ पे कितना होगा, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, यहाँ पे माइनस सिग्मा बराबर माइनस क्यू बाई ए, यही होगा, ठीक है। इन प्लेटों के बीच की जो दूरियाँ हैं वो स्मॉल डी मान के चल रहा हूँ, प्लेटों के बीच दूरी कितनी है स्मॉल डी, और इन प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है ई, इस तरफ बाह्य विद्युत क्षेत्र, इस तरफ ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्लेट के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ भर देता हूँ पूर्ण रूप से इसके अंदर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर के बराबर है। डी मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ इन प्लेटों के मध्य भर दिया तो उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। ये केस वही हो गया जो हमने अभी पढ़ा था संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का प्रभाव, तो उस प्रभाव से इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र कितना हुआ था, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन नॉट, यही हुआ था, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन नॉट, और उससे फॉर्मूला आया था इसके अंदर जो कुल विद्युत क्षेत्र था ई नेट, ई नेट का फॉर्मूला क्या कराया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है भाई। इस स्थिति में हम लिखेंगे परावैद्युत ना समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्मॉल डी मोटाई व एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ रखने पर ठीक है, एप्सिलॉन आर डी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ को रखने पर कुल विद्युत क्षेत्र ई नेट, ई बराबर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पर विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा, इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर, चूंकि सिग्मा बराबर क्या है क्यू बाई ए, इसलिए ई बराबर लिख सकते हो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये विद्युत क्षेत्र की समीकरण हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ से विद्युत विभव ज्ञात करोगे इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, इस प्लेट और इस प्लेट के मध्य विभवांतर, ठीक है, प्लेटों के मध्य विभवांतर वी का फॉर्मूला होता है क्या, ई गुना डी, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र गुना प्लेटों के बीच की दूरी, ये फॉर्मूला विद्युत विभवांतर ज्ञात करने का है। तो भाई मान रख लीजिए कैपिटल ई का मान है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी, ये विद्युत विभव हो गया। जब विद्युत विभव ज्ञात हो जाए तो धारिता ज्ञात करेंगे, धारिता सी बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटे वी, ठीक है, तो क्यू का मान क्यू है, वी का मान ये रहा क्यू डी बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए, ठीक, ये चला जाएगा ऊपर, ये वाला मान लिखा जाएगा ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है, क्यू से क्यू कट गया तो सी बराबर आया एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट ए डी बटे एप्सिलॉन आर, समझ आया। अब देखो मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी उस संधारित्र की धारिता है जिसकी प्लेटों के मध्य हवा भरी होती है, जिसकी प्लेटों के मध्य कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा होता
तब धारिता का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जो कि सी नॉट बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसलिए सी बराबर होगा सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब ये है अर्थात धारिता एप्सिलॉन आर गुना, अर्थात धारिता निर्वात की तुलना में, निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, जब आप किसी संधारित्र के अंदर एक परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से संधारित्र में भर देते हो जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, तो संधारित्र की धारिता निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अगर एप्सिलॉन आर का मान 8 है तो संधारित्र की धारिता 8 गुना हो जाएगी निर्वात की तुलना में। ठीक है ना, निर्वात की तुलना में बढ़ जाएगी। समझ आया, नोट कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो, कुछ हिस्से में परावैद्युत पदार्थ भरा है। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, प्लस आवेश है इस प्लेट का, यहाँ पे माइनस आवेश है, इसका सिग्मा प्लस सिग्मा, इस पर पृष्ठ आवेश है ना तो माइनस सिग्मा है मान लिया, ठीक है प्लस सिग्मा। इसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ये टी मोटाई का, इसकी जो मोटाई है वो टी के बराबर है और इसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर के बराबर, जबकि प्लेटों के मध्य दूरी तो डी के बराबर ही रहेगी, प्लेटों के मध्य दूरी तो डी के बराबर है और ये है परावैद्युत पदार्थ। ये है परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर के बराबर। अच्छा, तो देखिए माना परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है तथा मोटाई स्मॉल टी है। ठीक है, अब ये देखो ये पूरा संधारित्र दो भागों में बट गया, एक तो टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है और दूसरा बाकी का हिस्सा जो बच गया उसमें हवा भरी हुई है या निर्वात माध्यम है जिसकी मोटाई कितनी होगी, जिसकी मोटाई हो जाएगी डी माइनस टी के बराबर, है ना। ये पूरा परावैद्युत पदार्थ के डी टी भाग में तो परावैद्युत पदार्थ रखा है और बाकी का ये हिस्सा ये वाला प्लस ये वाला मिला के इसकी मोटाई हो जाएगी डी माइनस टी, इसमें हवा भरी है ना। अच्छा, तो विद्युत क्षेत्र निकालूं मैं, तो यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र होगा ई बराबर हवा माध्यम का विद्युत क्षेत्र प्लस किसका, परावैद्युत माध्यम का विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत माध्यम का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यानी कि E बराबर हवा माध्यम का विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यही होगा हवा माध्यम का, तो और परावैद्युत माध्यम का क्या होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यही होगा। देखो हवा माध्यम का विद्युत क्षेत्र हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और इसका हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, कोई दिक्कत। ठीक है, तो भाई हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन 1+1 बाई एप्सिलॉन आर, ये विद्युत क्षेत्र हो गया 1+1 बाई एप्सिलॉन आर। ठीक, अब हम करेंगे कि
विभवांतर, संधारित्र के मध्य विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर। देखिए विभवांतर करेंगे तो ये आएगा V बराबर विद्युत क्षेत्र को किससे गुणा कर देंगे, E गुणा D। ठीक है, तो V बराबर E का मान रख लीजिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और इसका कॉमन आ रहा है 1+1 बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं किया जाएगा, ये D जो है ये तो केवल अलग अलग होगा, इसको आप इतना ही रखिए ये आ गया। ठीक, विभवांतर देखिए V बराबर हवा माध्यम में विभवांतर प्लस परावर्तित माध्यम का विभवांतर। तो हवा माध्यम का विद्युत क्षेत्र है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी मोटाई है डी माइनस टी। हवा माध्यम डी माइनस टी मोटाई में है, प्लस परावैद्युतांक का विद्युत क्षेत्र है इतना, इसकी मोटाई है टी के बराबर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस सिग्मा बटे एप्सिलॉन इंटू टी, लिख सकते हैं ऐसे। अब आप देखेंगे कि इसको अब कॉमन, ये विभव हो गया। ठीक है, ये विभव हो गया तो यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन इंटू, यहाँ बचेगा डी माइनस टी प्लस यहाँ बचेगा टी बटे एप्सिलॉन आर, लिख सकते हैं ऐसे डी माइनस टी कॉमन और यहाँ पे टी बटे एप्सिलॉन आर बचा हुआ है। ठीक है, चूंकि सिग्मा बराबर क्या है Q बटे ए, इसलिए सिग्मा की वैल्यू है Q बटे ए के बराबर, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर है Q बटे ए, इसलिए मैं लिख सकता हूँ V बराबर, इसलिए V बराबर होगा Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर। ठीक है भाई, ऐसे ये विभव हो गया। विभव के बाद अब धारिता ज्ञात करेंगे, धारिता C बराबर फॉर्मूला Q बटे V से, धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटे V से, तो C बराबर होगा Q बटे V, V ये पूरा मान उठा के रख दीजिए Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर। Q से Q कट गया, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर लिखा जाएगा, तो यहाँ पे C बराबर आएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर। ठीक है, डी माइनस टी प्लस ए, या सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से मैं डी को कॉमन कर लूँ, यहाँ से मैं डी को बाहर निकालूँ तो एक मिनट, ये बटे में जाएगा भाई, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर और इसके बटे में आएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर, ऐसे आ गया। ठीक है, ये सी की वैल्यू आ गई, यहाँ से आप क्या करिए, दिख रहे यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट, नीचे से डी कॉमन कर लीजिए इधर से, क्या बचेगा वन माइनस टी बटे डी। ठीक है, प्लस टी बटे डी एप्सिलॉन आर, ऐसे लिख सकते हो आप एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी वन माइनस टी बटे डी और प्लस टी बटे डी एप्सिलॉन आर। ठीक, ऐसे लिख सकते हो, तो ये क्या है सी नॉट बन गया, आप लिख सकते हो सी बराबर सी नॉट बटे, सी बराबर सी नॉट बटे वन माइनस टी बटे डी प्लस टी बटे डी इंटू एप्सिलॉन आर, ये भी एक फॉर्मूला है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, चलो ये याद है कर लेना मेन फॉर्मूला, कि अगर आंशिक रूप से परावद्युत टी मोटाई का परावद्युत पदार्थ भरा है तो विद्युत क्षेत्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर होती है, जहाँ एप्सिलॉन आर परावद्युतांक है, टी उसकी मोटाई है, डी प्लेटों के मध्य दूरी है, कैपिटल ए प्लेटों का क्षेत्रफल है। ठीक है भाई, समझ आ गया। अच्छा,
देखो अब ये फॉर्मूला सही है या गलत है उसकी जांच करता हूँ मैं। मैं ये मान लेता हूँ कि यदि ये जो पूरा है T, ये D के बराबर हो जाए, मतलब कि पूरे पदार्थ में ही क्या भर दें हम, पूरे संधारित्र के अंदर ही परावद्युत पदार्थ भर देते हैं। तो उस फॉर्मूले में रखिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस, T की जगह मैं D रख लेता हूँ, प्लस D बटे एप्सिलॉन R। ये कट गया, ये बचा एप्सिलॉन नॉट A बटे D बटे एप्सिलॉन R, ये ऊपर चला गया, ये क्या बन गया C नॉट इंटू एप्सिलॉन R। यही फॉर्मूला आया था अभी थोड़ी देर पहले, जब पूर्ण रूप से पदार्थ भरा हुआ हो तो उसकी धारिता यही आई थी, और ये इस फॉर्मूले से हमने ज्ञात किया, तो मतलब कि ये सूत्र सही है जो आंशिक रूप से परावद्युत पदार्थ के लिए धारिता ज्ञात करने के काम में आता है। ठीक है बच्चों, ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, थैंक यू।